परमेश्वर का उद्देश्य है, वो भेजना चाहता है, इसलिए तेरे को ऐसा बनाया। ऑलवेज से यस लॉर्ड, नहीं करके नहीं, हरदम हाँ करके बोलो। और उसमें जब अपने आप को इस तरह से समर्पित करते हैं ना, तो बड़े बड़े आश्चर्य कर्म हमारे द्वारा कर सकता है। परमेश्वर करता है, हमसे करवाता है, हमें यूज करता है, हमारे को एक माध्यम बनाता है। हम तो नाचीज हैं, हमारे पास कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसी चीजें हमारे से बुलवा लेता है जो कि दूसरों को दिल को छू जाता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को नमस्कार। जय मसीह की, यीशु सहाय। साल के अंतिम चरण में हम हैं और मैं एडवांस में आप सबों को नए साल की बधाई देना चाहता हूं। आप सबों को नया साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू ऑल ए हैप्पी न्यू ईयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि और एक अवसर दिया कि हम एक साथ मिल सकें और उसके वचन से कुछ सीख सकें, कुछ समझ सकें। प्रभु यीशु मसीह बहुत ही प्यारा है, सुंदर है और हमारे लिए उसने सब कुछ किया है। उसकी सुंदरता का बयान हम कर नहीं सकते और करना चाहे तो भी पूरा हो नहीं सकता। वो पैदा हुआ तो बहुत ही सुंदर बालक था। मंदिर में जब 12 साल की आयु में गया, उसके चेहरे से लाली झलक रही थी, खूबसूरती का बयान नहीं कर सकते। उसके पहाड़ी उपदेशों को देखिए, कितने सुंदर उपदेश थे। उसके प्रचार करने का ढंग देखिए, कितना सुंदर था। उसने आश्चर्य कर्मों को किया, अद्भुत, बहुत ही सुंदर। प्रभु यीशु मसीह के आगे देखिए, सलीब को लेकर जब जाता रहा, लहू की धारा जब बहती रही, सलीब पर जब चढ़ाया जा रहा था, उसकी खूबसूरती में कोई कमी नहीं आई, बहुत ही खूबसूरत था। उसने क्षमा याचना की, खूबसूरती बढ़ गई, सात वाणियां बोला, अंतिम रूप से अपने प्राण को पिता को समर्पित किया, खूबसूरती कमी नहीं आई। तीसरे दिन जी के उठा, उसकी खूबसूरती का तो बयान कर ही नहीं सकते, अद्भुत। और उस खूबसूरती का बयान करना भी चाहे तो नहीं हो सकता। उदित सोना ने उसकी खूबसूरती का बहुत ही अच्छे ढंग से बयान किया, दिल खोल के उसने उसका वर्णन किया। और उस गीत को हर कोई गाता है, हर चर्च में गाया गया, विश्व के हर कोने में ये गाना गूंजा है, लेकिन कभी भी ये गाना पुराना नहीं हुआ। जब भी सुनिए, उसमें वही ताजगी, वही भाव और वही अंदाज दिखाई देता, सुनाई देता है। आइए इस गीत को रूना की आवाज़ में हम सुनेंगे और उसके बाद परमेश्वर के वचन में हम आगे बढ़ेंगे। खूबसूरत है मसीह तू, खूबसूरत है मसीह तू, किस कलम रंग से लिखो, खूबसूरत है मसीह तू, किस कलम रंग से लिखो, तेरे चेहरे पे है जो बात, तेरे चेहरे पे है जो बात, होठों से कैसे कहूँ, खूबसूरत है मसीह तू, खूबसूरत है मसीह तू। दिल तो डूबे फिर से डूबे तेरी मोहब्बत में, दिल तो डूबे फिर से डूबे
तेरा चेहरा जो न देखूं, तेरा चेहरा जो न देखूं, फिर भला कैसे जीऊं, तेरा चेहरा जो न देखूं, फिर भला कैसे जीऊं, तेरे चेहरे पे है जो बात, तेरे चेहरे पे है जो बात, होठों से कैसे कहूं, खूबसूरत है मसीह तू, खूबसूरत है मसीह तू, कर सके बयां ना फरिश्ते तेरी मोहब्बत का, कर सके बयां ना फरिश्ते तेरी मोहब्बत का, मैं तो माटी हूँ दो पल की, मैं तो माटी हूँ दो पल की, मैं करूँ तो कैसे करूँ, मैं तो माटी हूँ दो पल की, मैं तो माटी हूँ दो पल की, मैं करूँ तो कैसे करूँ, तेरे चेहरे पे है जो बात, तेरे चेहरे पे है जो बात, होठों से कैसे कहूँ, खूबसूरत है मसीह तू, खूबसूरत है मसीह तू। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, खास मकसद ये था कि वो संगति चाहता था कि परमेश्वर के साथ साथ चले, लेकिन मनुष्य इसे संभाल नहीं पाया, परमेश्वर का साथ छोड़कर शैतान के जाल में फंसा और चले गया, खत्म हो गया। और आज भी हमारे अंदर में वही पाप के बीज है, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उसके पुत्र के माध्यम से उसने हमारे इस रोग से, इस पाप के रोग से हटाने के लिए इंतजाम किया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मैं बहुत जगह जाता हूं, सेमिनरीज में भी गया और जवानों की सभा में भी गया, पास्टर्स कॉन्फ्रेंस में भी मैंने कहीं गया, कई जगह सब चीजों को मिलकर मुझे एक ही प्रॉब्लम मिलता है, जब क्वेश्चन ओवर रहता है या बाद में जब मिलकर बातें करते हैं तो ये पूछते हैं कि सर कैसे हम सक्सेसफुल हो सकते हैं मिनिस्ट्री में, पास्टर कैसे अच्छे बन सकते हैं, अच्छे प्रचारक कैसे बन सकते हैं, अच्छा डिकन कैसे बन सकते हैं, अच्छा ट्रेजरर कैसे बन सकते हैं, अच्छा सदस्य कैसे बन सकते हैं, अच्छा मसीही कैसे बन सकते हैं, ये कॉमन क्वेश्चन है। इसका एक ही आंसर मैं देता हूँ कि हर कोई जानता है कि वॉक विथ हिम, उसके साथ चलो। जब उसके साथ हम चलने लगते हैं ना, सारा सक्सेस मिल जाता है। यू कैन बी ए गुड पास्टर, उसके साथ साथ रहो। तुम एक अच्छा प्रचारक बन सकते हो, उसके साथ साथ रहो। अच्छे मसीह हो सकते हो, उसके साथ साथ चलो। रहना नहीं, चलना है। मसीह के साथ रहना बात दूसरी है, मसीह के साथ चलना, मूवमेंट चाहिए,
उसके आगे चलते रहेंगे तब ये काम हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। देखिए हम ये चाहते हैं कि संडे हम चर्च में आते हैं, मैं जाता हूँ, मैं यही दुआ करके जाता हूँ, खुदावन्द कि आज तू मेरे लिए क्या वचन दे रहा है, मुझे क्या सिखाना चाहता है, मुझे सिखा समझने की शक्ति दे, अपने कमजोरियों को पहचान सकूँ और उनको छोड़ सकूँ और चल सकूँ। और ये है कि संडे है तो मंडे से लेकर फिर सैटरडे तक वही रहे जो संडे को मैंने सुना, एंड लेट द संडे 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 ही रहे, चाहे मंडे ट्यूसडे थर्सडे ना रहे, हर दिन संडे रहे। और ये हमारे अंदर में ताजगी रहती है, इसको बोलते हैं परमेश्वर के साथ साथ चलना चाहिए, चलना चाहिए। बाइबल में यदि देखें तो दो जन के बारे में लिखा है कि परमेश्वर के साथ साथ चलते थे, आप समझ गए होंगे, पहला जो है हानूक है और दूसरा जो है नू है। हानूक के बारे में लिखा है परमेश्वर के साथ साथ चलता था और परमेश्वर ने उसको उठा लिया, परमेश्वर ने उसको उठा लिया। परमेश्वर जब न्यू हानूक जो है 65 साल में उसको एक लड़का हुआ जिसका नाम था मतुशेला था, और ये लड़के का नाम है जब लिटरली इसको देखें तो भालाधारी बोलते हैं, लेकिन बाइबल के अनुसार यहाँ पर मतलब मेरे को ये निकलता है कि मतुशाला जब तक तू रहेगा तब तक कोई बाढ़ नहीं आएगा, जब मतुशाला तू जब तक रहेगा कोई विपत्ति नहीं आएगा, कोई फ्लड नहीं आएगा, जल प्रलय नहीं होगा, तू जब तक है जल प्रलय नहीं होगा। हानूक जो है बेटा होने के बाद परमेश्वर के साथ साथ 300 साल और चला, और मैं ये कहता हूँ कि हानूक ये सोचता होगा कि मैं अपनी चाल परमेश्वर के साथ रखूँगा तो मेरा लड़का भी मेरे साथ चलेगा, मेरे लड़का भी मेरे का अनुसरण करेगा। माँ बाप चर्च गोइंग हैं, बच्चे लोग भी चर्च गोइंग हैं, माँ बाप अच्छी बातें करते हैं बच्चे भी अच्छी बातें करते हैं, माँ बाप गॉसिप करते हैं बच्चे भी गॉसिप करते हैं, माँ बाप बुराई करते हैं बच्चे भी बुराई करते हैं, माँ बाप झूठ बोलते हैं बच्चे भी झूठ बोलते हैं, माँ बाप सच बोलते हैं बच्चे भी सच बोलते हैं, माँ बाप जो सिखाते हैं सीखते हैं, माँ बाप के जीवन देखकर बच्चे सीखते हैं, बच्चे संभलते हैं, परिवार संभलता है, तुमसे तुम्हारे से हर एक से, बच्चे जो है परिवार जो है कलीसिया जो है तुमसे संभलती है, तुमको देखकर मुझको देखकर तुमको 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 हर एक को मुझको देखकर लोग समझते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के साथ चलते हैं। खुदा चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ साथ चले। हानूक जो है साथ साथ चलता रहा, उठा लिया गया। मतुशाला जो है बाढ़ के एक हफ्ता पहले मतुशाला मर गया। मतुशाला मतलब ऐसा बताऊं, मतुशाला के डेथ के बाद जब मतुशाला जो है 969 शायद 969 ईयर्स सबसे लंबी आयु वाला यदि व्यक्ति कोई धरती पर है तो वो मतुशाले है। और ये जो है 969 साल जिया, और इसके ख़त्म होने के बाद एक हफ्ते बाद जल प्रलय शुरू हुआ। नूह जो था जल प्रलय में बचाया गया, और हानूक जो है जल प्रलय के पहले ही उठा लिया गया। नूह जो कितना मेहनत किया, कितने साल प्रचार किया, एक भी आत्मा बची क्या? नहीं बची। लोग इसकी अवहेलना करते थे, ये बेचारा सवेरे उठ के जाता था शाम तक लौट के आता था और कहता था निराश क्योंकि एक भी आत्मा नहीं बची। कोई काम हुआ? नहीं हुआ। फैक्ट्री चालू, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं क्या के लिए? रोजी रोटी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हंसी किसकी कर रहे हैं? नूह की कर रहे हैं। नूह पागल है, पागल है, इसको कैसे है? इसकी एक पागल है, ये जो चलो पैसा मिलता है काम करते हैं लेकिन इसका अनुसरण करने वाला कोई नहीं है। लेकिन नूह क्या सक्सेसफुल इसलिए रहा कि परमेश्वर के साथ साथ चलता था, परमेश्वर के साथ नहीं था, परमेश्वर के साथ साथ चलता था। एक चीज़ देखिए, ये अब मैं ये बताना चाहता हूँ परमेश्वर के साथ साथ चलना मतलब क्या है, परमेश्वर के साथ साथ कैसे हम चल सकते हैं। पहली चीज़ मैं बताऊँ, साथ साथ चलना है तो बिगिन, स्टार्ट वॉकिंग, शुरू करो। शुरू नहीं करोगे तो चलोगे कहाँ से? परमेश्वर के साथ प्रारंभ करो, परमेश्वर के साथ चलना शुरू कर दो, परमेश्वर के साथ साथ चलने लगो। अपने आप में देखो, योना की पुस्तक आप पढ़िए, मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ। पहले अध्याय को आप पढ़ोगे, पहले अध्याय में कहता है गोइंग अवे फ्रॉम गॉड, परमेश्वर से दूर भागने लगा था। दूसरे अध्याय में हम पढ़ेंगे फॉलोइंग गॉड, परमेश्वर का अनुसरण कर रहा था। तीसरी चीज जो है वो वॉकिंग विद गॉड, परमेश्वर के साथ साथ तीसरे अध्याय में चल रहा था। और चौथे अध्याय में वॉकिंग अहेड ऑफ गॉड, और उसके आगे निकल गया था। ये देखिए मतलब ये हुआ कि इस नए साल में हम एक
ये रिजॉल्व करें, एक हम वाचल एक प्रण प्रण करें, एक प्रतिज्ञा करें, एक संकल्प लें कि खुदा मैं तेरे साथ साथ चलूंगा। जितना पढ़ता था बाइबल उससे ज़्यादा पढ़ूंगा, मैं 1.5 घंटा पढ़ता था अब यही 2 घंटा पढ़ूंगा, या 15 मिनट दुआ करता था अब 20 मिनट करूंगा, मैं दान जो देता था अब ज़्यादा करूंगा, प्रचार जो करता था उससे ज़्यादा करूंगा, मैं जो है अब झूठ नहीं बोलूंगा, मैं सच्चे तेरे साथ चलूंगा, तेरे पीछे रहूंगा, खुदावन तेरे साथ साथ चलूंगा। ये प्रणय करो, येट्स यू स्टार्ट वॉकिंग, बिगिन वॉकिंग, पहली चीज हुआ। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि कोई भी सीक्रेसी उससे हम छुपा के ना रखें, मतलब इंक्लूड एवरीथिंग, सब कुछ समर्पित कर दो, सब कुछ न्यौछावर कर दो, सब कुछ परमेश्वर को दे दो, मतलब मेरे हृदय का कोई भी ऐसा चैम्बर ना रहे जिसको मैं छुपा के रखूं, कोई भी ऐसा दोष ना रहे जो मैं छुपा के रखूं, हर चीज मतलब मेरे घर में कोई आए तो मैं हर कमरा दिखा सकूं, हर कमरे में इतनी साफ सफाई से रखूं, इतनी सुंदरता से रखूं कि हर कोई, यहाँ तक कि मेरे स्टोर रूम में, मेरे बाथरूम में, मेरे वॉशरूम में भी कोई जाए तो कोई डर नहीं, क्योंकि सब साफ है, एक ट्रांसपेरेंसी है, सब कुछ है, साफ है, स्पष्ट है। कोई भी चीज़ छुपा के नहीं रखना चाहिए। कैसे? ईर्ष्या है हटा दो, क्रोध है हटा दो, कम कर दो, लालच खत्म कर दो, लालच है आने मत दो, जलन है दूर कर दो, बुरी संगति है मत करो, अवॉइड दैट, उसके बाद बुरी चाल है नहीं चलते उसको भी दूर करो, ये सारी चीजें अपने आप हटा दो तो परमेश्वर के साथ चलने लगोगे। परमेश्वर के साथ मतलब इंक्लूड एवरीथिंग, सारी चीजें स्पष्ट हो जानी चाहिए, एक जीवन में एक ट्रांसपेरेंसी आना चाहिए, मतलब मेरे और मेरे परमेश्वर के बीच में ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, खुदा मैं कोई चीज छुपा के नहीं रखूं, और क्योंकि मैं ये दुआ करूं कि खुदावन मेरे दोष मुझको दिखा, मेरे अपराधों को मुझे दिखा, ताकि आईना देखते हुए हम समझते नहीं है कि हमारे अंदर में क्या बदसूरती है, लेकिन बाइबल पढ़ते हुए हम नहीं समझते कि ये वचन मेरे लिए है, ये वचन मेरे से क्या कहता है, दूसरों के लिए मैं सोचूंगा लेकिन मेरे लिए क्या है ये मैं नहीं सोचूंगा, इसलिए दुआ करें खुदावन मेरे दोष मुझको दिखा ताकि उनको छोड़ते हुए और भी आगे बढ़ सके। इस संबंध में एक बहुत ही प्यारा वचन जो कि सबको आपको भी मालूम है, जो कि दाऊद ने कहा, वो कि भजन संहिता 19 और उसके 12वें वचन में कहता है, अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है, कितनी अच्छी बात बोला ना, अपनी भूल चूक को कोई नहीं समझ सकता है, कौन समझ सकता है, कोई नहीं समझ सकता, और मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। खुदावन यदि मेरे किसी दिल के किसी भी कोने में एक भी कोई ऐसा पाप है, किसी के बारे में बुराई सोचता हूँ, किसी के बारे में बुराई करना चाहता हूँ, मेरे अंदर में कोई ईर्ष्या है, मेरे अंदर में कोई क्रोध हो, या मेरे में कोई लालच हो, मैं कुछ घमंड करूँ, कुछ भी मेरे अंदर में ऐसे पाप है जो कि मैं लालच ना करूँ, मैं स्पष्ट रखूँ अपने आप को, खुदा मैं तेरे सामने रखता हूँ, खुदावन तू मुझसे बातें कर, मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर, करके दुआ करता है। ये एसेंस है, ये हमारे आत्मिक जीवन के लिए, परमेश्वर के साथ साथ चलने के लिए, परमेश्वर के साथ रहना नहीं, हम जानते हैं परमेश्वर के साथ हैं, हम बिलीवर्स हैं, नए जन्म पाए हुए, लेकिन परमेश्वर के साथ नहीं, हमको परमेश्वर के साथ साथ चलना है, साथ नहीं रहना है, साथ साथ चलना है, मूवमेंट चाहिए, एक मूवमेंट चाहिए, एक चाल चाहिए। और तीसरी चीज मैं आपको बताऊं, लिव विथ हिम, उसके साथ जियो, उसके साथ जियो, उसके साथ जियो, लिव विथ हिम, उसके साथ में कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसका 4वां वचन जो है यहां पर कहता है, तुम मुझ में बने रहो, अबाइड इन मी, मुझ में बने रहो, और उसी यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय के 2वें वचन में बोलता है, मेरे पिता के यहां रहने के बहुत सारे स्थान हैं, मैंशन, पहला अबाइड और दूसरा मैंशन, और ग्रीक में अबाइड को मोने कहा है, MONE, मोने, NA भी लिखते हैं मोने, और दूसरा जो है मैंशन को, घर को जो बताया गया है यूहन्ना 14:2 में, उसको मेनो का, MENO मेनो कहा है, मोने और मेनो दोनों चीजें एक ही हैं,
मतलब तुम मेरे मेंशन मेरे घर में रहना चाहते हो तो मुझ में बने रहो, तुम मुझ में बने रहोगे तो तुम स्वर्गीय धाम मेरे तुम्हारा वास स्थान जो है वो उसका तुम अधिकारी हो जाओगे। उस अधिकार को लेकर तुम इस घर में यहाँ पर इस संसार में धरती पर जब तक रहोगे उस घर के अधिकारी बन के रहोगे, ताकि तुम उसके बाद भी उसके तुम्हारे लिए घर निश्चित है, मतलब तुम्हारा एड्रेस पक्का हो गया, एक परमानेंट तुम्हारा एड्रेस तुमको मिल गया है। क्या बोलता है, तुम मुझ में बने रहो, अबाइड इन मी, और तुम्हारे लिए बहुत से स्थान है, मैंशन है, ये भी ये अबाइड और मैंशन दोनों का मतलब एक ही है। और ये परमेश्वर चाहता है कि हम उसमें बने रहें, उसमें फलें, उसमें बढ़ें, उसमें चलते रहें, ताकि स्वर्गीय धाम स्वर्गीय मकान हमारा जो है वो हमको प्राप्त हो जाए। इस धरती पर तो कोई स्टेबल नहीं है, मतलब परमानेंट नहीं है, कोई स्थिरता नहीं है, कोई परमानेंसी नहीं है, एक दिन तो जाना है ही है। कितने गायब हो गए, किस तरह से गायब हो गए, कैसे चले गए। मैं शाम को ही एक वक्त ही फोन आया था, मैं बात कर रहा था, इस साल में कितने लोग चले गए, गायब हो गए। समझ में आया, हम अपनी दुख तकलीफ देख रहे हैं लेकिन उधर उनकी समझ सकते हो। खुदा को धन्यवाद दो कि तुम्हें जीवित रखा है, और धन्यवाद इसलिए दो कि क्या चाहता है, क्यों जीवन दिया है, इसलिए उसके साथ साथ चलो, साथ साथ चलो, वॉक विथ हिम, ये उसका एसेंस है, उसका फार्मूला है। तुम यदि तुम मेरे में बने रहना चाहते हो तो तुम मकान चाहते हो, मैंशन चाहते हो, तो अबाइड इन मी, और तुम मुझ में जुड़े रहोगे तो तुम्हें मकान मिलेगा। मोने और मेनो दोनों का अर्थ एक ही है, जो कि हमें उसके साथ साथ चलने से प्राप्त होते हैं। और चौथी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, ऑलवेज डू व्हाट ही सेज, मतलब जो भी कहता है उसका पालन करो। हम क्या करते हैं, खुदावंद मैं तेरे सेवा करना चाहता हूं तो मुझे फलाने फलाने चर्च में भेज दे, खुदावंद मैं तेरे सेवा करना चाहता हूं फलाने शहर में मुझे रख, खुदावंद मैं तेरे सेवा करना चाहता हूं फलाने कलिसिया में पासवान बना दे, खुदावंद मैं तेरी सेवा करना चाहता हूं तू मुझे ऐश्वर्य दे, संपत्ति दे, धन दे, मकान दे, गाड़ी दे, तो कि मैं बड़ा बिजी आदमी हूँ, मुझे काम भी करना है, ड्यूटी भी करना है, प्रचार भी करना है, मेरे को गाड़ी दे, फलाने गाड़ी दे, फलाने जगह जाने के लिए मुझे पैसा दे, मुझे ये दे, इज्जत दे, सारी चीज़ें हम मांगते हम अपने अनुसार। मैं बोला ना, हम क्या फाउंडेशन अपना तैयार करते हैं और खुदा से बोलते हैं ऐसा कर, नहीं। अब्राहम क्या है, वो फाउंडेशन मांगता था खुदा से, फाउंडेशन चाहिए था, उसकी नींव मांगता था। ऑलवेज डू व्हाट ही सेज, जो कहता है वो तुम करो। मैं इस संबंध में आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जरा देखिए, मैं एलिजाबेथ एलियट एक लेखिका है जिसकी किताब लेट मी बी ए वुमेन नामक पुस्तक है। उस पुस्तक में उसने जो लिखा है उसके अंश को मैंने पढ़ा, उसको मैं आपको बताता हूँ। ग्लैडिस आईविल करके, आईल वार्ड करके, ग्लैडिस जिसको बोलूँ शॉर्ट में मैं, ग्लैडिस नाम की लड़की थी, अमेरिका में पैदा हुई, अमेरिकन है। उसके बाल भूरे नहीं थे, अमेरिकन लोग के जैसे रहते हैं काले बाल थे। उसकी आँख की पुतलियाँ भी जो है अमेरिकन टाइप नहीं थी, वो भी कहीं अमेरिकन टाइप नहीं लगती थी। एक नॉर्मल हाइट जो एवरेज होता है उससे कम थी, 4 फीट करीब 10 इंच के आसपास उसकी हाइट थी, हाइट में भी वो कम थी। वो सोचती थी कि मुझे परमेश्वर ने ऐसा क्यों बनाया। लेकिन एक बार प्रभु की आवाज़ सुनी वो और अल्टर कॉल में गई, और उसने अपने आप को मिशनरी काम के लिए सौंपा, और उसको मिशनरी बनाकर जब ट्रेनिंग पूरा करके भेजा गया तो शंघाई में एयरपोर्ट में जब उतरी तो वो देखी कि जितने लोगों को देख रही है सब उसी के जैसे हैं, या कहिए ये उनके जैसा है, और उन लोगों में चीनी लोगों में मिल गई, चीनी समान दिखाई देने लगी। परमेश्वर का उद्देश्य है, वो भेजना चाहता है, इसलिए तेरे को ऐसा बनाया। ऑलवेज से यस लॉर्ड, नहीं करके नहीं, हरदम हाँ करके बोलो। और उसमें जब अपने आप को इस तरह से समर्पित करते हैं ना, तो बड़े बड़े आश्चर्य कर्म हमारे द्वारा कर सकता है, परमेश्वर करता है, हमसे करवाता है, हमें यूज करता है,
हमारे को एक माध्यम बनाता है। हम तो नाचीज हैं, हमारे पास कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसी चीज़ें हमारे से बुलवा लेता है जो कि दूसरे को दिल को छू जाता है। क्यों, कैसे हुआ, मुझे नहीं मालूम। ये ज्ञान कहाँ से आया, मुझे नहीं मालूम। इतनी उदारता कैसे हुआ, नहीं मालूम। इतनी सहन शक्ति कैसे हुआ, नहीं मालूम। ऐसे कैसे रह सकते हो, मुझे नहीं मालूम। फिर क्या मालूम, एक ही चीज मालूम है कि आई एम वॉकिंग विद द गॉड, आई एम वॉकिंग विद द लॉर्ड, आई एम वॉकिंग विद जीजस। मैं यीशु मसीह के साथ चल रहा हूँ, यीशु मसीह के साथ में हूँ। जब मैं उसके साथ में रहता हूँ तो मुझे कोई कमी घटी नहीं होती है। मैं आपको बताऊं, रोमी खत उसका 4:8-4 में बताया, आत्मा के अनुसार चलो। और उसमें देखिए रोमी उसी के 13:13 में कहता है सीधी चाल चलो। और उसके बाद देखें तो एफिसियों की पत्री उसका 5:2 में कहता है प्रेम से चलो। चाल को बता रहा है। दूसरी कुरंती 5:7 में कहे विश्वास से चलो, चलते चलो। दूसरा तेस्लोनी की 3:6 में कहता है अनुचित चाल मत चलो, ना चले, अनुचित ताल ना चले, मतलब उचित चाल चलो कहता है। भजन संहिता 119:133 में देखे तो मेरे पैरों को स्थिर कर करके बोलता है। कुलसियों की पत्री उसका 2:6 में बोलता है उसी में चलते रहो। और क्या वचन, और कितना बता सकता हूँ, जितना मुझे याद है मैं बताएं आपको, चलते रहो उसमें, बने रहो इस साल में, चलते रहो इस साल में, बने रहो। और इस साल भर ये सोचो कि प्रभु मैं तेरे साथ में चलूं, और ये जो वचन तू दिया है इसे पढूं, इसे पढ़ने के बाद मैं ये सोचूं कि ये मुझसे क्या बातें करना चाहता है, मतलब मेरा क्या रूप दिखाना चाह रहा है, मेरे कौन से दोष को दिखाना चाह रहा है, मेरे कौन से अच्छाई को बढ़ाना चाह रहा है, मैं किस मार्ग पर चलना चाहूं तो उसमें रोड़े क्या आ रहे हैं, शैतान क्या कर रहा है, कैसे मैं बच सकता हूँ, कैसे मैं आगे बढ़ सकता हूँ, ये सब कहिए। मतलब उसने सब कुछ हमारे लिए खोल के इस वचन के द्वारा रख दिया, क्योंकि बोलता है परमेश्वर का जीवित वचन है। और जब पढ़ते हैं तो खुदा हमसे बातें करता है, और जब दुआ करते हैं तो हम परमेश्वर से बातें करते हैं। ये कम्युनिकेशन है, वन वे नहीं है, बोथ वे कम्युनिकेशन होता है। क्या दिया उसने, अपना सब कुछ दे दिया परमेश्वर ने, क्या रखा, सब कुछ अपना दे दिया, यहाँ तक कि इकलौते पुत्र को हमें दे दिया, और फिर भी हम क्या है, ना शुक्रिया नहीं बोलते, थैंकलेस क्रिएचर्स हम बोलते हैं, ना शुक्रगुजार है बोलते हैं, हम धन्यवाद नहीं दे सकते। याद रखना हम कितने खुद गर्व हैं, हम अपने आप में एकदम डूबे हुए हैं, घमंड से भरे हुए हैं, लालच और मोह माया में फंसे हुए हैं। कितनी है उसकी सुंदरता को हम देखें, उसकी सुंदरता का बयान करूं, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उसको बोल सकूं। लोग इतने खुदगर्ज हैं कि नजर में प्यार ही नहीं, गायब हो गया सब कुछ, नाश हो गया। कहती कह दे मैं कहूं खुदा तुझसे एक नजर भी मैं हटा लूं तो मैं जी नहीं पाऊंगा। ऑलवेज यू शुड बी विद इन माय आईज, मेरे साइट, मेरे दिमाग में, मेरे दिल में 24 घंटा तेरे रहना जरूरी है। खुदा तू रह, मुझे मत छोड़। हाँ प्रभु, तेरी खूबसूरती का बयान मैं नहीं कर सकता, लेकिन बिना किए रह नहीं सकता। मैं एक नजर भी तुझसे दूर रहूं तो जी नहीं पाऊंगा। इस गीत को हम सुने, उसके बाद दुआ करेंगे, और आशीष के बाद अपनी सभा को खत्म करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। कितने खुद कितने खुद गर्ज यहाँ लोग नजर में प्यार नहीं। मर ही जाऊं जो मैं थी।
तेरी, मर ही जाऊं जो मैं तेरी, एक नजर से दूर रहूं, मर ही जाऊं जो मैं तेरी, एक नजर से दूर रहूं, तेरे चेहरे पे है जो बात, तेरे चेहरे पे है जो बात, होठों से कैसे कहूं, खूबसूरत है मसीह तू, खूबसूरत है मसीह तू, किस कलम तेरे चेहरे पे है जो बात, तेरे चेहरे पे है जो बात, होठों से कैसे कहूँ, खूबसूरत है मसीह तू, खूबसूरत है मसीह तू, खूबसूरत है मसीह तू। दयालु परमेश्वर, एक बार फिर धन्यवाद देते हैं खुदावंद इस साल के आखिरी समय के लिए, ताकि खुदा इस साल में हम एक नए संकल्प, नए वाचा, नया प्रण करें कि हम तेरे साथ साथ चलना चाहते हैं, तेरे साथ साथ बने रहना चाहते हैं, खुदावंद तुझ में बने रहना चाहते हैं, तेरी कृपा अनुग्रह चाहते हैं, हमारे हर दोष को तो दूर कर, हर अपवित्रता को दूर कर, ताकि खुदावंद हम स्वच्छ रहें, पारदर्शी रहें, हम हमारे अंदर में कोई भी ऐसी अपवित्रता ना रहे जिससे कि तुझे हम ना पा सकें, परंतु हम तेरा स्वागत करते हैं, हमारे हृदय में बास कर, हमारे साथ रह, आने वाले समय को जिसे जानते नहीं तेरे चरणों पर रखते हैं, तेरी सहायता चाहते हैं, तेरी अगुवाई चाहते हैं, तेरी कृपा चाहते हैं, तेरी नज़र हम पर बनी रहे, ये हमारी तुझसे दुआ है, हम में से हर एक पर तेरी कृपा अनुग्रह रह, हमारे हर कमजोरी को दूर कर, और खुदावंद तेरे पुत्र के नाम से हम पर तेरी आशीष की बारिश होने दे, दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर, आमीन। आशीष को ले। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सबके साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन आमीन।